अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं। ये जवानी है दीवानी स्टोरी है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, आप भी देख लें और हम भी मज़े कर लें और आप भी मज़े कर लें। रिएक्ट करने वाले हैं। हाँ, रिएक्ट करना है दोस्तों। हम पहली दफ़ा वीडियो बना रहे हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ी बात ही गलती वगैरह हो तो आप मुझे बताएंगे, हमें बताएंगे, हम वीडियो को इंशाल्लाह अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी कुछ बोल लो। मैं यही कहूंगी, तो चलो हम देखते हैं, अभी रिएक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी में। हाँ, स्टोरी तो वैसे देखने वाली लग रही है, अभी फिलहाल हमने देखी नहीं है, चलो आपके तो साथ देखते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। स्टोरी शायद कैसी हो हमें बेहतर पता नहीं है, देख के फिर पता चलेगा। चलो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या हुआ? और वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट्स जरूर करना। हाँ, ये भी बहुत मसला है यूट्यूब पे। मंदिर का तुम्हारा ही साथ कोई नहीं, लड़ाई है तेरी हम सफर बस पहेली के सही जो भी लगे सही। हाँ तू कर, तेरा नाम समीर है? हाँ। श्रुति बंदी है तेरी? हाँ। तुम लोग कौन? अबे ये सब क्रिकेट खेलने की तो लाइन ही है, तेरी धुलाई करने वाले, और जब जब तू श्रुति से मिलेगा ना तब तब तेरे को धोएंगे। एक मिनट। हाँ ये तो चंदन भाई पंगा हो गया। हाँ भाई, कॉलेज के बाहर लड़ाई होने लगी है। हम तो डर गए। अच्छा ये बता, तेरे भाई कब आएंगे? सो रहे थे भाई, तो अब वो उठेंगे, सबसे पहले काला टीका लगाएंगे, फिर अपनी चेन पहनेंगे, और फिर सुट्टा मारते मारते आ जाएंगे। आ जाएंगे? आ गए, पीछे दे। बहुत फास्ट डिलीवरी हुई है। अबे तू कहाँ का भाई है? इंट्रो देने के लिए टाइम नहीं है और धमकी देना मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम बच्चे शक्ल से स्वीट दिखते हो तो तुम्हें एक चांस देता हूँ, 10 तक गिनूंगा, और अगर फिर भी तुम मेरे विजन में हुए तो स्पॉइलर अलर्ट, पूरी जिंदगी अपने आप को कोसोगे कि उस दिन 10 गिनने तक भागा क्यों नहीं। भाई सुना, आराम से बात करते हैं, काम करते कर लेते हैं। साढ़े 2 बजे तक कौन सोता है? अबे आ तो गया ना, और अगर वो 10 गिनने तक नहीं भागते फिर तो हम उनके साथ गिल्ली डंडा खेलते। साले नौटंकी, चल बैठ अब। इंडिया में ना किसी को डराने के लिए मस्कुलर बॉडी नहीं चाहिए, सिर्फ कुर्ता पजामा और काला टीका टाइप पर्सनालिटी काफी है। ये आयुष और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड समीर, हम 2 साल पहले कॉलेज में मिले, मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैं डिप्रेशन में था, बट अच्छे दोस्त जब मिलते हैं ना तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज रहती ही नहीं, और यही हुआ, मैं बन गया कुंतल से केडी, और 2 सालों में हम तीनों ने इतने मजे किए जितने पूरी जिंदगी नहीं किए थे। लेकिन फिर भाई मैं चाहता हूँ तू श्रुति से मिले। अबे इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। तो ये मुझे अच्छी लग रही है, आपको पता नहीं दोस्त, अगर बोर होने वाली है केडी मेरे भाई बताएं। बैठ बैठ, इससे मिल, ये मेरी श्रुति कुंदन। अरे बात, तुम दोनों एक दूसरे को जानते भाई? ये हुई है हमें साथ। अच्छा दोस्त है क्या भाई? एक्चुअली मैं वो शाय टाइप थी ना, तो ज्यादा बात नहीं करती थी। ओ गाइस, ये कैचअप में अभी आया। तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तो क्या बोलती, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो सिर्फ मेरा एक्स ही नहीं, लाइफ का पहला बॉयफ्रेंड भी है। हाँ, एक्जेक्टली यही बोलना चाहिए था, क्योंकि यही सच है। लिसन, उसको 2 साल हो गए, यू क्लियरली ओल्ड एंड सो एम आई। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, उसे कुछ मत बोलना, आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग। हाँ भाई, तू भी आ जा, ठीक है? आ जा, तेरी कमी है। गाइस, तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? स्कूल की बातें कर रहे थे ना, तो थोड़ी टेंशन वाले दिन याद आ गए। ओह अच्छा, सुन तेरे को एक बात बतानी थी। हाँ बोलना श्रुति। श्रुति क्या? श्रुति और बोलना, श्रुति क्या? श्रुति को भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर ले। साली इसके लिए क्या सोचते हैं? अरे पहले ये तो कंप्लीट कर लो। अच्छा क्या खा रहे डेजर्ट? ओके चलो। आप सोच नहीं सकते उसके बाद श्रुति ने क्या किया। केडी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? कि तू स्कूल में श्रुति को डेट कर रहा था। ये हुई ना बात। सॉरी, मैं समीर से झूठ नहीं बोल पाई। ये क्या? मेरा लेक्चर आ रहा। अबे तूने मुझसे क्यों छुपाया? ओके सुन भाई, यकीन हो गया, श्रुति बहुत चालू है, उसने 2 साल पहले मेरे से ब्रेकअप किया जब मैं कितना सीरियस था, और अब तो हद कर दी, हमारी दोस्ती तुड़वा रही है। तू मुझे बस एक बात बता, तू उससे अभी भी प्यार करता है क्या? पागल है क्या? बिल्कुल नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि तू हर्ट हो। अबे तुम बच्चे थे यार तब स्कूल में, अब बात डिफरेंट है, ट्रस्ट मी, श्रुति चालू नहीं, बहुत भोली है। ठीक है चल मैं निकलता, मैं तुझे कॉल करता हूँ, ज्यादा सोचियो मत। ठीक है, मैं नहीं चाहता था जिस हर्ट से मैं 2 साल पहले गुजरा उससे मेरा भाई जाए पंगा हो गया था, और आपको तो पता है जब पंगा होता है तो कौन आता है। हेलो।
अरे भाई उस दिन भाग तो गए थे तो अब आप अरे डरो मत दोस्ती का हाथ बढ़ाने आओ तुम में से श्रुति को कौन जानता है भाई भाभी का मंडप यहीं रखेंगे भाई की शादी के लिए तो बड़े एक्साइटेड हो क्यों कैसी लगी जगह Beautiful. है ना मैं भी सोचा था अरे ले ले भाई अपने भाई की शादी तो यही होने वाली है और भाई लो कर ली जगह बुक हाय श्रुति ओह माय गॉड भाई नए दोस्त बने हाँ अर्जुन से मिलो बाहर से सख्त लगता है लेकिन अंदर से नरम है ऐसे क्यों बात कर रहा है श्रुति मेरे को हाय नहीं बोलोगी ये चल क्या रहा है सॉरी सॉरी क्लियर करते हैं अर्जुन भी मेरी तरह श्रुति का एक्स है व्हाट ये कैसा मजाक है श्रुति बताओ इसे हाँ श्रुति बताओ हाय डेटेड हिम बट बस थोड़े टाइम के लिए व्हाट्स द बिग डील इट्स ओके चिल बट व्हाई डिड यू गाइस ब्रेक अप मेरे को बताया नहीं बट मैसेज किया वी आर डन अरे मुझे भी नहीं बताया था जय भद्रकाली वी शुड लीव श्योर श्रुति थोड़ी देर तो बैठ जाओ तीन महीने में तो वैसे ही जा रही है जा रही हो कहाँ अरे बैठो बैठो सब बताते हैं बैठो बता भाई तुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया जा रही श्रुति तीन महीने में वो भी तीन साल के लिए ओके अब ये मजाक है श्रुति बताओ इसे हाँ श्रुति बताओ बताओ कैन वी टॉक इन प्राइवेट यस प्राइवेट वेरी प्राइवेट How could you not tell me you're going to Australia? I'm gonna tell you obviously. Kundan bhai, इनका ब्रेकअप होता है तो अगला लाइन में मैं हूँ ना? शेर बिल्लियों के पीछे नहीं भागता. So no problem. उन्हें पता है मुझे नहीं. How यार? Samir just listen. एक बात बताओ. जब आप रिलेशनशिप में थे तो भाई पहले बन चुके थे फिर बाद में बने. बाद में. ब्रेकअप सबको भाई बना देता है. क्या कुंदन भाई आप भी. Sorry sorry sorry. पहले वो दूसरा. तीन महीने बाद जाऊँगी यार पक्का भी नहीं अभी क्यों ऐसे हो रहे हो? Just let it be. कुंदन भाई अभी एक बताओ आप. बस Now you isolated me. हाँ तो पहले ये भाई बने क्या हुआ बुरा मान लिया कुंदन भाई भाई उसने मुझे भी नहीं बताया भाई तू बच गया तीन महीने में सोच कितना प्यार हो जाता फिर क्या करता एक काम कर उसको कॉल कर और बोल दे या तो ऑस्ट्रेलिया या तो मैं बेटर क्लियर हो जाएगा टेल हर आई एम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन हेलो श्रुति हाँ बोल दे भाई बोल दे ओके अबे बोला क्यों नहीं भाई उसने खुद ही मुझे चुन लिया वो नहीं जा रही ऑस्ट्रेलिया प्लान कैंसिल हाँ भाई तू ग्रेट है एक काम कर तुझे जितनी पीनी है ना पी पैसे मैं भरूंगा ठीक है फिर शाम को मिलते हैं लव यू मेरे भाई अबे निकल यहाँ से चीयर्स ये स्टोरी चेंज होगी स्टोरी है ना भाई तुझे पता ना मेरे घर वाले मेरी शादी का मैं चाहते हैं तो सोच भी नहीं सकता मेरे लिए किसका रिश्ता है भाई कुछ खबरी है इसके लिए रिश्ता है श्रुति के घर वालों ने आयुष के घर वालों को रिश्ता भेजा है मतलब श्रुति के घर वाले श्रुति की शादी करा रहे तुझे ये भी नहीं पता वरना ये कॉल है तो कब बताओगी जब शादी हो जाएगी तब तो कोई काम नहीं है क्या अगर तू मेरे साथ ऑनेस्ट थी तो ये सब नहीं होता समीर अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करते ना तो ये सब नहीं होता ट्रस्ट नहीं करता शायद अब भाई समझ रहा था कि मैं एकदम करेक्ट था लेकिन अब टाइम था अपनी लव लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करने का So baby, please don't fight. मिली है अवंतिका से दो महीने पहले मिली इंस्टा पे और इंस्टेंट कनेक्शन बन गया अब स्पेशली मेरे से मिलने मुंबई आई है आपके भाई की गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पर थी लेकिन फिर श्रुति तुम इधर कैसे थैंक यू न्यू डेट हाँ इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे श्रुति ये अवंतिका दिल्ली से और अवंतिका ये श्रुति इसके एक्स पता है मैं दिल्ली से हूँ इसने ना मुझे इतनी रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुला लिया मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई इसके लिए अरे श्रुति कैसी बातें कर रही हो एक सेकंड फिर क्या हुआ क्या बोली व्हाट दी ग्रेट वो ना क्या अरे अरे अवंतिका कहाँ जा रही अवंतिका ऐसा कुछ नहीं है क्या था ये और जो तुम मेरे साथ कर रहे हो कब से वो क्या था मैं मेरे फ्रेंड को बच रहा हूँ ताकि तुमने जो मेरे साथ किया वो मेरे भाई के साथ ना हो दोस्तों आप भी बताएं आपको कैसी लग रही है पता है मैंने तुम्हारे साथ
ब्रेकअप क्यों किया था? क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स ने बोला कि मेरी वजह से तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो और फेल हो जाओगे, इसीलिए आई थॉट लेट्स टेक अ ब्रेक ताकि तुम पास हो जाओ। अच्छा, उसके बाद मैंने तुम्हें कितना कॉन्टेक्ट किया, वो तुम थे जिसने मुझे इग्नोर किया। और अर्जुन का क्या? आई वाजंट ओवर यू, आई ट्राइड बट आई वाज नॉट। कैसे रहती उसके साथ? फाइन, मत मानो, बट आई एम सीरियस विद सैम। बहुत मुश्किल से आई हैव गॉट ओवर यू, सो प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय एनीथिंग। वो अवंतिका के कान में क्या बोला था? कि तुमने दो दिन बाद शादी के लिए पूछा, उसी से डर गई। ये क्या भाई, मुझे नहीं इस कहानी की समझ आ रही। एंड तो होने वाला लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसता। तू ही है वो लड़की जिससे मुझे हुआ प्यार, ये एहसास था नया और मुझे हुआ पहली बार। तेरी आंखों में देखते ही मुझे चढ़ा था बुखार, अब ऐसे न तड़पा मुझे और बन जाओ मेरी जान। हाँ ये नाता है पुराना हमारा पिछले जन्म का, और ये गाना सुन रहे हो जो तुम ही तेरे ही सनम का। हाँ। तेरे ही सनम का ये तेरे ही सनम का गप, तेरे प्यार में पागल, तेरी मोहब्बत मेरी चाहत, तेरी कमी दिल की आहट, जब नहीं करती शिकायत। मेरी नस नस में तू, मेरे कश कश में तू, मेरे ख्याल मेरे ख्वाब में बस बस है तू। मेरी दिल की दीवार पर तेरा ही नाम, सीना चीर के दिखाऊ या दे दूं अपनी जान। तुम मेरे साथ में कब तक, मैं कहूँ जब तक ये सांस मेरे पास मरते दम तक। ख्याल देख रहा है वो, देखो बनेगी। मुझे तो लगता है सबके सब ऐसे ही रह जाएंगे बस। तीन चार के साथ तो गेम चल रही है। बस समीर और श्रुति से मिलना छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना, सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। वाह यार, क्या बात कही। हेलो, तुम तो बहुत खुश होगे ना श्रुति। ये क्या हुआ? योर बेस्ट फ्रेंड वाज चीटिंग ऑन मी, यही चाहते थे ना तुम? क्या टेस्टिंग आप श्रुति के साथ क्या हुआ? अरे कहाँ था भाई तू इतने टाइम से? वो छोड़, एक बात बता, तू चीट कर रहा था? थैंक यू बोल पागल, तेरा बदला ले लिया। वो मुझे छोड़ती उससे पहले मैंने ही छोड़ दिया। अरे तेरे लिए तो किया, ऐसी लड़कियों के साथ तो ऐसे ही होना। बहुत गलत किया। श्रुति को मैंने हर जगह ढूंढा, पूरा दिन निकल गया, कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर फाइनली तुम्हारे घर वाले कब से तुम्हें ढूंढ रहे, कम से कम फोन तो उठा लेती। एक चीज बोलूं, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फिर ऊपर वाले के मन का हो रहा है और वो अच्छा करेगा। याद आया 11th में जब मैं हिंदी में फेल हो गई थी तो तुमने यही बोला था, कितनी इंप्रेस थी तुमसे कि कितना क्रिएटिव है, और फिर तुम्हें पता चला कि हमारे हिंदी के चैप्टर में ही है। श्रुति देखना, जब थोड़े टाइम बाद तुम ये मोमेंट याद करोगी ना, तब बोलोगी थैंक गॉड ऐसा हुआ। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुमने 12th में सिर्फ हिंदी में नहीं, हर सब्जेक्ट में टॉप किया था, और लाइफ भी सब्जेक्ट की तरह है, बस लव के सब्जेक्ट में तुम थोड़ी वीक हो, तो थोड़ा स्टडी करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, और समझ रही हो ना? एक चीज दिखाओ, तुमने ये अभी तक संभाल के रखा है? इतना प्यार करती हो तो बता देती। फिर गेम घुमाएगा। ए, कोई प्यार व्यार नहीं करती हां, ये तो बस मुझे स्ट्रांग बनाता है। अच्छा, स्ट्रांग इसलिए ना क्योंकि मैंने दिया है। वो क्या हुआ, मैंने भी तो तुम्हें बहुत सारी चीजें दी हैं, भूल गए क्या? और मैं भी तो तुम्हारे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देता था, उसका क्या? झूठ बोलते हो यार, सारा असाइनमेंट्स खुद का और मेरा सबका मैं करती थी।
वो देख केडियो श्रुति कितने खुश लग रहे हैं ना। सोच उसकी जगह आज तू होता, वैसे वो लड़की से तो मिला जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं कौन सी लड़की, कोई हो तो मिला ना। अरे यार ये दोनों ना मेरे साथ साथ अपने को भी बना रहे थे। असल बात तो ये है ये दोनों एक दूसरे से ओवर ही नहीं हुए। तुम्हारी लड़ाई, अबे ऐसी छोटी लड़ाइयों से कुछ नहीं होता। अपना भाई ये चार दिन में वापस आ जाएगा। तू ना दिमाग मत चला, गाड़ी चला चल। दिल वाला निकला अच्छी लगी हो तो खूब लाइक करो, कमेंट करो, बहुत सारा शेयर करो। ये आंटी का है। चैनल सो हैपी ग्रे। हां ये तो श्रुति है, इसे कौन देख सकता है। हां गाइस हमें तो बहुत मजा आया ये वीडियो देखकर। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। सो दोस्तों मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे ना समझ थोड़ी सी लगती थी और फिर गेम चेंज हो जाती थी। तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो देखकर। इन लोगों ने कमाल की घुमाई, जब समझ लगने लगती थी तब वो स्टोरी घुमा देते। मेहनत की है यार उन्होंने। हां ये होता है ट्विस्ट, पता नहीं हमारी वीडियो में है या नहीं है। अच्छा आप बताएंगे ये बात, तो हम तो कहेंगे कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी है। तो चलो दोस्तों फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।